तो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कंट्रोल वाल के ऊपर पूछे जाने वाले इंटरव्यू में क्वेश्चन आंसर के बारे में, जैसे कि कंट्रोल वाल का सीवी वैल्यू क्या होता है, कंट्रोल वाल का लीकेज क्लास क्या होता है, फेल सेफ मोड क्या होता है, सिंगल एक्टिंग डबल एक्टिंग क्या होता है। तो इन्हीं सब क्वेश्चन के ऊपर हम वीडियो में बात करेंगे। फ्रेंड, आप वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन बनता है फ्रेंड, कंट्रोल वाल क्या होता है, तो इसको जानने के लिए हम एक एग्जांपल से समझते हैं। फ्रेंड, जैसा कि आप इस फिगर में देख रहे हैं, हमारा एक वाल्व का बॉडी है और इसको हमको किसी लाइन का फ्लो कंट्रोल करना है तो वहाँ पर लगा दिए। तो ये आप देख रहे हैं मैनुअल व्हील है, इसके फ्लो को कंट्रोल करने के लिए ऑपरेटर आएगा और इस व्हील को ऑपरेट करके फ्लो को कंट्रोल करेगा। लेकिन जैसे जैसे हमारी टेक्नोलॉजी बढ़ती गई फ्रेंड, तो हमारे पास एक्चुएटर आया। अब ये जो हमारा बॉडी है, वाल्व बॉडी और एक्चुएटर, इनको जब आपस में जोड़ा गया तो कंट्रोल वाल्व बना। जैसे कि आप देख सकते हैं, हमारे पूरा कंट्रोल वाल है, ये हमारा बॉडी पोर्शन है और ये हमारा एक्चुएटर इसको बोलते हैं। तो जो काम पहले ये ऑपरेटर करता था मैन्युअली आके व्हील से ऑपरेट करके, वो काम अब हमारा कंट्रोल वाल करेगा। मतलब वाल हमारा वो इक्विपमेंट है जो किसी फ्लूड के अथवा गैस के फ्लो को उससे रिलेटेड प्रोसेस वेरिएबल पैरामीटर जैसे टेम्परेचर, लेवल, प्रेशर के अकॉर्डिंग फ्लो को कंट्रोल करता है। तो इसका आप आंसर ये दे सकते हैं कि कंट्रोल वाल कितने टाइप के होते हैं। अगर आपसे इस तरह क्वेश्चन पूछा जाए तो सबसे पहले आप इसका आंसर देंगे कि कंट्रोल वाल मेनली दो टाइप के होते हैं, एक स्लाइडिंग वाल, दूसरा रोटेटरिंग वाल। अब स्लाइडिंग वाल में हमारे ग्लोब वाल आते हैं। आप ग्लोब वाल का एग्जाम्पल देख सकते हैं, ये हमारा ग्लोब वाल है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्लोब जैसा बना हुआ है, इसीलिए इसको हम ग्लोब बोलते हैं, जो कि प्रेशर या फ्लो को होल्ड करता है। नीचे हमारा सीटरिंग होता है, इसके ऊपर हमारे स्टेम के थ्रू ग्लोब आके होल्ड करता है फ्लो को। ये इसका बॉडी है। अगला आता है गेट वाल। गेट वाल में जैसा कि अंदर आप देख सकते हैं फ्रेंड, ये हमारा जो फिगर है ये गेट वाल का है। ये जो अंदर आप देख सकते हैं, ये पूरा एक गेट की तरह ओपन और क्लोज होता है सीधे स्लाइडिंग के थ्रू। अगला आता है निडिल वाल। निडिल वाल का ये फिगर फ्रेंड आप देख सकते हैं, नीचे जो फ्लो को होल्ड करेगा ये निडिल के टाइप में बना हुआ है, इसलिए इसको निडिल वाल बोलते हैं। अब रोटेटरी वाल में फ्रेंड दो तरह के वाल होते हैं, एक बटरफ्लाई और दूसरा वाल्व वाल। तो बटरफ्लाई वाल का ये फोटो आप देख सकते हैं, ये डिस्क बोलते हैं इसको, ये अपने पोजीशन से 90 डिग्री ओपन एंड क्लोज होता है। अगला आता है बॉल वाल। अब बॉल वाल का ये फिगर देख सकते हैं, ये हमारा बॉल लगा रहता है, ये हमारा स्टेम है। ये बाल के आकार के होने की वजह से इसको बॉल वाल बोला जाता है। ये बॉल वाल का फिगर है, ये इसका इंटरनल फिगर है, आप यहाँ से देख सकते हैं। फ्रेंड, आप यहाँ पे कंट्रोल वाल के टाइप को देख लिए हैं। इसमें एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि ग्लोब वाल और बटरफ्लाई वाल में क्या अंतर है, या इनका यूज कहाँ करते हैं, दोनों में क्या डिफरेंट होता है। तो जैसे कि आप फिगर से देख सकते हैं इसमें क्या डिफरेंट है, ये डिस्क टाइप है, इसमें जो होल्डिंग होता है ये सीटरिंग है, इसमें ये डिस्क बना रहता है, इसमें सीटरिंग होता है, यहाँ पर एक ग्लोब टाइप वाल रहता है जो नीचे आके अपने सीटरिंग पे बैठता है। यूज हम वहाँ करते हैं जो हमारे प्रोसेस वेरिएबल है, जैसे लेवल है, प्रेशर है, टेम्परेचर है, उनके फ्लो को मेंटेन और कंट्रोल करना है, वहाँ पर हम ग्लोब टाइप जो वाल होते हैं कंट्रोल वाल, उनका यूज करते हैं। बटरफ्लाई वाल क्या होता है कि पूरी या तो फुल्ली ओपन या तो फुल्ली क्लोज होता है, इसमें भी हम पोजीशन वाइज ऑपरेट कर सकते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है कि पूरा होल्डिंग हमको मिलता नहीं है, वो या तो पूरा पास होगा या तो पूरा क्लोज होगा। इसमें अगर हमारा पूरा क्लोज भी रहता है फ्रेंड, फिर भी हमको पूरा होल्डिंग नहीं मिल पाता है, यहाँ कुछ ना कुछ परसेंट तक पासिंग मिलता है, लेकिन हमारे ग्लोब वाल में पूरा होल्डिंग मिलता है, यहाँ कोई पासिंग नहीं होता है। तो ये डिफरेंट होता है, इसका आप जवाब दे सकते हैं। क्वेश्चन फ्रेंड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आप कहीं इंटरव्यू दे रहे हैं तो आपसे सीवी वैल्यू और कंट्रोल वाल का लीकेज क्लास के बारे में जरूर क्वेश्चन किया जा सकता है, तो आप इसको अच्छे से समझ लीजिए। तो फ्रेंड, किसी भी कंट्रोल वाल को जो आप इंस्टॉल कर रहे हैं तो उसका सीवी वैल्यू कैलकुलेट करना बहुत ही जरूरी है। जैसे आप जो कंट्रोल वाल जहाँ इंस्टॉल कर रहे हैं वहाँ का टेम्परेचर कितना है, वहाँ का लाइन का प्रेशर कितना है, डायमीटर कितना है, एटमॉस्फेरिक कंडीशन क्या है, ये सब देख के हम कंट्रोल वाल का डिजाइन करते हैं और उसको इंस्टॉल करते हैं। तो इसमें सीवी वैल्यू कैलकुलेट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सीवी वैल्यू हमारा वो होता है कि हमारा 60 फारेनहाइट टेम्परेचर पर 1 PSI प्रेशर ड्रॉप होने पे कितना गैलन पर मिनट फ्लो पास होता है, इसके अनुसार ही हम अपना सीवी वैल्यू का कैलकुलेट करते हैं। तो अगला आता फ्रेंड हमारा लीकेज क्लास। लीकेज क्लास का एक चार्ट आप देख सकते हैं, इसमें 6 तरह के लीकेज क्लास होते हैं, 1 से लेकर 6 तक। तो लीकेज क्लास का मतलब ये होता है फ्रेंड कि हमारा कंट्रोल वाल है जो वो फुल्ली क्लोज होने पे, 100% क्लोज होने पे वो कितना फ्लो पास करेगी, वो एक्सेप्टेबल होगा। तो इसी के अनुसार हमारा अगर जो सेकेंड क्लास का है वो 0.5% और 10 से 52 डिग्री टेम्परेचर पे अगर 3 से 4 बार प्रेशर है, अगर उतने पे वो 0.5% लीकेज है तो ये एक्सेप्टेबल रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरह आप देख सकते हैं 3 और 4 में भी 0.1 है,
फोर में 0.001 है, ये एयर वाटर लाइन पे इसको टेस्टिंग किया जाता है, फिर ये डिसाइड किया जाता है फ्रेंड। तो इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है फ्रेंड, ये एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि लीकेज, यहाँ पर आपके सामने देगा क्वेश्चन कि लीकेज क्लास थर्ड में कितने परसेंट तक एसेप्टेबल फ्लो पास कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप सामने ऑप्शन दे सकता है 0.1, 0.5, तो अगर आपको याद है तब उसका सही आंसर दे सकते हैं। ऐसा क्वेश्चन पूछा गया फ्रेंड कई सारे एग्जामों में। अब आगे जो क्वेश्चन किया जाता है फ्रेंड होता है कंट्रोल वाल के पार्ट के बारे में, कंट्रोल वाल के पार्ट कौन कौन से होते हैं। तो इसमें भी दो तरह के पार्ट होते हैं फ्रेंड, एक इंटरनल पार्ट होता है और एक एक्सटर्नल पार्ट होता है। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया हुआ फ्रेंड, कंट्रोल वाल के जितने भी पार्ट होते हैं उसको मैंने प्रैक्टिकली दिखाया हुआ है, कंट्रोल वाल का ओवरहॉलिंग कैसे किया जाता है, कंट्रोल वाल का असेंबलिंग कैसे किया जाता है, इसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं, सबका मैंने प्रैक्टिकली वीडियो अपने चैनल पर डाल रखा है। आपको लगभग 4-5 वीडियो मिल जाएंगे कंट्रोल वाल से रिलेटेड, आप उस वीडियो को जरूर देख लीजिए ताकि आपको जो चीज़ मैं यहाँ आपको आपको फिगर में बता रहा हूँ आपको वहाँ पर प्रैक्टिकली देखने को मिल जाएगा। उसका लिंक भी मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से देख लीजिए। तो सबसे पहले कंट्रोल वाल का जो पार्ट होता है इंटरनल पार्ट के बारे में बात करते हैं। पहला होता है डायफ्राम, स्प्रिंग, हाई वोल्ट। हाई वोल्ट का काम क्या होता है फ्रेंड कि जैसे हमको कंट्रोल वाल्व एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करना होता है तो इसको हैंगिंग करने के लिए हाई वोल्ट ऊपर लगाया रहता है। ये कंट्रोल वाल्व का कोई इंटरनल पार्ट नहीं है, ये बस कंट्रोल वाल्व को शिफ्टिंग के लिए यूज किया जाता है। स्केल प्लेट, योक, ये सब क्या होते हैं, इनका कैसे क्या क्या काम है, इसके ऊपर मैंने वीडियो बना रखा है फ्रेंड, वो भी प्रैक्टिकली मैंने दिखाया है कि स्टेम क्या होता है, योक क्या होता है, प्लग क्या होता है, सीट क्या होता है। आप उस वीडियो को एक बार जरूर देख लीजिए ताकि आपको अच्छे से और समझ में आ जाएगा। यहाँ पर आप कपलिंग का काम होता है फ्रेंड, जो हमारा स्टेम होता है, एक एक्चुएटर का स्टेम होता है, एक हमारा बॉडी का स्टेम होता है, तो इनको जोड़ने के लिए। बोनट होता है, ग्लैंड पैकिंग होता है, सीटरिंग, लॉक नट और गैस्केट, ये सारे पार्ट होते हैं फ्रेंड। और अगला जो होता है फ्रेंड रोटरी वाल्व जो होता है उसमें हमारे डिस्क होते हैं, वाल होता है, बूश होता है, सीट होता है, स्टेम होता है। तो फ्रेंड आपसे अगर इंटरव्यू में क्वेश्चन ये पूछा जाता है तो आपको अगर सारे पार्ट का नाम नहीं याद है लेकिन जो जो मेन पार्ट है उसको आपको जरूर बताना पड़ेगा, जैसे कि डायफ्राम, स्प्रिंग, आई बोल्ट, योक, वाल्व बॉडी, प्लग, स्टीम, बोनट, कपलिंग और ये जो प्लेट स्केल है, ये सारे जो पार्ट हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको आपको जरूर याद होना चाहिए। फ्रेंड एक्सटर्नल पार्ट में हमारा पोजिशनर क्या होता है, आईपी क्या होता है, रेगुलेटर क्या होता है, इस सब पे मैंने एक वीडियो बना रखा है। ये सारे पार्ट कंट्रोल वाल्व को ऑपरेट करने के लिए यूज करता है, जैसे कि हमारा जो पोजिशनर होता है इसका यूज होता है, जैसे हमारा जो कंट्रोल वाल्व है उसको पोजिशन वाइज ऑपरेट करने के लिए, जैसे हमको 10-20-25% ओपनिंग रखना है, क्लोज करना है, तो उसके लिए हम ये स्मार्ट पोजिशनर आप देख सकते हैं इसका यूज करते हैं। फिर हमारा एक न्यूमेटिक पोजिशनर है, ये न्यूमेटिक पोजिशनर है फ्रेंड। तो आईपी का काम क्या होता है फ्रेंड कि जो हमारा डीसीएस से सिग्नल आता है 4 से 20 mA, तो उसको 3 से 15 PSI में कन्वर्ट करके हमारे न्यूमेटिक पोजिशनर को देता है। लेकिन अगर हमारा वहाँ पर स्मार्ट पोजिशनर अगर यूज किया गया है फ्रेंड तो हमारा आईपी का काम वहाँ पे नहीं पड़ेगा, हमारा सीधे जो सिग्नल आएगा डीसीएस से वो हमारे स्मार्ट पोजिशनर को जाएगा और वो सीधे इसका जो आउटपुट जाएगा वो सीधे कंट्रोल वाल्व को जाएगा, वहाँ हमारा न्यूमेटिक पोजिशनर यूज करने की जरूरत नहीं है और आईपी की, मतलब ये दोनों मिलकर हमारा स्मार्ट पोजिशनर बनता है। इस पे भी मैंने एक वीडियो बना रखा है फ्रेंड, उसको आप देख लीजिए। उसके बाद एक आता है हमारा एयर रेगुलेटर। एयर रेगुलेटर का काम होता है फ्रेंड कि हमको जो कंट्रोल वाल्व का एयर प्रेशर होता है वो हमको ज़्यादा नहीं चाहिए, हमको 1.5-2 kg चाहिए, लेकिन हमारा जो इंस्ट्रूमेंट एयर होता है वो लगभग 6-7 kg होता है, तो उसी के लिए हम एयर रेगुलेटर। अगला जो पार्ट है फ्रेंड एक्सटर्नल का वो है ऑन ऑफ इंडिकेशन या लिमिट स्विच। तो जैसा कि आप इस फिगर में देख सकते हैं ये हमारा ऑन ऑफ इंडिकेशन के लिए यूज किया जाता है, क्योंकि फ्रेंड जो हमारा कंट्रोल वाल्व है, चाहे बटरफ्लाई वाल्व है, चाहे ग्लोब वाल्व है, वो फील्ड में लगा है तो वो कितना ओपन है, कितना क्लोज है, उसका इंडिकेशन भी हमको मालूम होना चाहिए, तो उसके लिए हम ऑन ऑफ इंडिकेशन यूज करते हैं। लेकिन फ्रेंड जो हम अगर स्मार्ट पोजिशनर यूज किए हैं तो हमारा कंट्रोल वाल्व कितना परसेंट ओपन है, कितना परसेंट क्लोज है, उसका फीडबैक भी ये देता है, इसीलिए हम ज़्यादातर स्मार्ट पोजिशनर यूज करते हैं। न्यूमेटिक पोजिशनर में ये फीचर्स नहीं है, इसीलिए ज़्यादातर अब इंडस्ट्रीज में स्मार्ट पोजिशनर ही यूज किया जाता है। स्मार्ट पोजिशनर यूज करने से इसके एडवांटेज भी बहुत हैं, जैसे कि हमारा ये जो ऑन ऑफ इंडिकेशन है इसका यूज नहीं होगा, न्यूमेटिक पोजिशनर का यूज नहीं होगा, आईपी का यूज नहीं होगा, मतलब ये तीनों काम अकेले ही स्मार्ट पोजिशनर ही करेगा, इसलिए आजकल इंडस्ट्रीज में स्मार्ट पोजिशनर का ज़्यादा यूज किया जाता है। अगला जो क्वेश्चन आता है फ्रेंड इंटरव्यू में वो पूछा जाता है कि टाइप ऑफ एक्चुएटर, एक्चुएटर कितने टाइप होते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं एक्चुएटर हमारे दो टाइप होते हैं, एक होता है इलेक्ट्रिकल एक्चुएटर, दूसरा होता है न्यूमेटिक एक्चुएटर। आप एक फिगर में देख सकते हैं ये हमारा इलेक्ट्रिकल एक्चुएटर है, ये हमारा न्यूमेटिक एक्चुएटर है।
तो फ्रेंड इलेक्ट्रिकल एक्चुएटर हमारा 230 वोल्ट पावर सप्लाई या 440 वोल्ट पावर सप्लाई पे काम करता है। ये मोटराइज एक्चुएटर भी इसको बोलते हैं। इसमें मोटर अंदर होता है, थ्री फेज है, सिंगल फेज। अगर हमारा सिंगल फेज मोटर है तो हम सिंगल फेज पावर सप्लाई यूज करेंगे 230 वोल्ट। अगर हमारा थ्री फेज मोटर है तो हम 440 वोल्ट सप्लाई यूज करेंगे। ये हमारा न्यूमेटिक जो एक्चुएटर है, ये न्यूमेटिक एयर प्रेशर यानी 0 से 7 kg प्रेशर पे ऑपरेट होता है। तो फ्रेंड न्यूमेटिक एक्चुएटर में भी एक क्वेश्चन और बनता है कि हमारा एक होता है सिंगल एक्टिंग एक्चुएटर और डबल एक्टिंग एक्चुएटर। डबल एक्टिंग एक्चुएटर और सिंगल एक्टिंग एक्चुएटर क्या होता है? तो जैसे कि आप इस फिगर में देख सकते हैं फ्रेंड, यहाँ पर दो होल दिख रहा है। मतलब अगर सिंगल एक्टिंग एक्चुएटर है तो हमारा जो एयर सप्लाई जाएगा वो या तो एयर टू ओपन करेगा या तो एयर टू क्लोज करेगा, मतलब वो एक ही एक्शन में काम करेगा। लेकिन हमारा डबल एक्टिंग एक्चुएटर है तो वो दोनों कंडीशन में काम करेगा, मतलब एयर टू ओपन भी होगा और एयर टू क्लोज होगा, दोनों एक साथ ही होगा। लेकिन अगर हमारा सिंगल एक्टिंग एक्चुएटर है तो उसका एक ही कंडीशन बनेगा, या तो एयर टू ओपन होगा या तो एयर टू क्लोज होगा। और इसको ऑपरेट करने के लिए फ्रेंड हम सोलेनॉइड वाल्व का यूज करते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन पूछा जाता है फ्रेंड वो होता है कंट्रोल वाल्व का फेल सेफ मोड क्या होता है? तो कंट्रोल वाल्व का फेल सेफ मोड भी फ्रेंड दो तरह का होता है, जैसे आप देख सकते हैं सिग्नल फेल टू ओपन, सिग्नल फेल टू क्लोज। तो इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर एक एग्जांपल लिया हुआ है फ्रेंड। ये हमारा एक्चुएटर है, ये हमारा योक है, ये हमारा बॉडी है, इसमें हमारा एक प्लग है, सेम उसी तरह इसमें भी है फ्रेंड। ये हमारा पोजिशनर है, यहाँ पर स्प्रिंग है, ये हमारा डायफ्राम का स्प्रिंग है। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे होंगे इसमें कुछ डिफरेंट है दोनों फिगर में। ये हमारा जो एयर सप्लाई आया है वो इधर से आके यहाँ आया है, ऊपर से दिया गया है। लेकिन ये जो एयर सप्लाई दिया गया है हमारे डायफ्राम को, वो सीधे नीचे से ही दिया गया है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब हमारा एयर इधर से जाएगा तो ये एयर टू क्लोज करेगा, मतलब हमारा जब एयर ऊपर से दिया जाएगा तो हमारा स्प्रिंग नीचे दबाएगा और हमारा जो प्लग है इसको सीट पे आके बैठेगा और हमारा फ्लो को बंद कर देगा, मतलब ये एयर टू क्लोज कर देगा। उसी तरह इसमें उल्टा कंडीशन है फ्रेंड, जो हमारा एयर मतलब हमारा ऑलरेडी पहले जो प्लग है वो सीट रिंग पे पहले से बैठा है, और जब से हमारा एयर इसमें जाएगा इस स्प्रिंग के थ्रू हमारा ये स्टेम और प्लग ऊपर जाएगा, मतलब ये एयर टू ओपन हो जाएगा। तो इसी तरह फ्रेंड अगर हमारा सिग्नल फेल हो जाता है तो हमारा इधर से एयर जाना बंद हो जाएगा और ये प्लग क्या है वो एयर टू क्लोज हो जाएगा। इसी तरह सेम इसमें भी कंडीशन वही बनेगा, जब हमारा एयर सिग्नल फेल हो जाएगा, मतलब हमारा जब सिग्नल फेल हो जाएगा तो ये एयर इधर से जाना बंद होगा और ये सीधे इस पर आकर बैठ जाएगा और एयर टू क्लोज हो जाएगा। तो ये हमारा होता है फ्रेंड फेल सेफ मोड, एयर टू ओपन और एयर टू क्लोज क्या रखना है ये अपने आवश्यकता के अनुसार हम अपने इंडस्ट्रीज में यूज करते हैं। हमें एयर टू क्लोज रखना है कि एयर टू ओपन रखना है। इसी तरह फ्रेंड एक और होता है स्टेकअप पोजिशन। ये हम जो हमारे स्मार्ट पोजिशनर आते हैं सीमेंस के, मैंने आपको जो पीछे फिगर में दिखाया है, तो उसमें एक ऑप्शन और होता है स्टकअप। स्टकअप मतलब है कि हमारा कंट्रोल वाल्व अगर 40% 50% ओपन है या क्लोज है तो उस कंडीशन में अगर हमारा सिग्नल फेल होता है तो वो उतने पे ही स्टकअप हो जाएगा और जितना फ्लो जा रहा है उतना फ्लो जाने लगेगा। तो इस दर फ्रेंड हमारा जो मोटराइज एक्चुएटर होता है उसमें भी हम अपना फेल से मोड अपने आवश्यकता के अनुसार सेलेक्ट करते हैं। मैंने कंट्रोल वाल्व के ऊपर अपने चैनल पे प्रैक्टिकली वीडियो कई सारे डाल रखे हैं, जिसमें मैंने कंट्रोल वाल्व का ओवरहॉलिंग, कंट्रोल वाल्व के असेंबल और कंट्रोल वाल्व के जितने पार्ट होते हैं, जैसे ग्लोब टाइप वाल्व, ग्लोब टाइप जो वाल्व होते हैं, बटरफ्लाई टाइप जो वाल्व होते हैं, उसके पार्ट, उसको कैसे असेंबल किया जाता है, कैसे ओवरहॉलिंग किया जाता है, इससे रिलेटेड मैंने वीडियो डाल रखा है फ्रेंड। तो आप उसको एक बार जरूर देख लीजिए, उसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करिए और इस तरह का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।